कान नदी में पहली बारिश में डूबा मासूम। जी हां, बुधवार रात शुरू हुई ताबड़तोड़ बारिश के चलते जहां एक ओर शहर की निचली बस्तियां तालाबों में तब्दील हुई, तो वहीं दूसरी ओर मानसून की दस्तक सुखलिया गांव के एक परिवार के लिए मातम की बारिश सिद्ध हुई। गौरतलब है कि तेज बारिश के चलते शहर की नदी नालियां उफान पर आ गई। इसी बीच उदय नामक बच्चा नदी में डूब गया। घटना की सूचना मिलते ही नदी में सर्च जारी किया गया। इसी क्रम में आपदा प्रबंधन और होमगार्ड के कर्मचारियों द्वारा हाथीपुरा कान नदी से MR10 तक रेस्क्यू जारी रहा, परंतु किसी प्रकार की कोई सफलता हाथ नहीं लगी। बोले कि मैं पापा की दुकान जा रहा हूँ। पापा की दुकान जा रहा हूँ, तो फिर आप किसी ने सूचना दी आपको कि? नहीं, वो यहाँ पे वो लोडिंग वाले भैया गए थे, तो बोले किसी का कोई बच्चा गिर गया, तो फिर मैंने कहा कि वो काकी बोलती बोले देख क्या, तो मैं गई आई अब तक तो फिर ढूंढना नहीं करा उसको, दुकान नहीं मिला वो। क्या नाम था बालक का? उदय। कितना साल का था? 12 साल। गिरा यहाँ पे और यहाँ से देखे आगे की साइड में निकल गया, उसका अभी कुछ मिला ही नहीं, उसकी बॉडी वगैरह क्या। हाँ, स्कूल की हमने सूचना कर दी है, सबकी अटेंडेंस ले ली है, उसका एक जो है बच्चा स्कूल में है ही नहीं। क्या नाम? उत्तम करके। उत्तम करके। कौन सी स्कूल का है वो? ये सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल का। कितनी देर पहले की बात है? आधा एक घंटा। अभी करीब एक घंटा पहले सूचना मिली थी कंट्रोल रूम से कि सुखलिया नाले में एक बच्चे ने सूचना दिया था कि एक बच्चा बह गया है पुल के ऊपर से। तो यहाँ मौके पर अभी बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू टीम बुलाई गई है और बच्चे का भी पता लगाया जा रहा है कि किसका बच्चा है। आगे अभी रेस्क्यू टीम आने पर जो भी आगे होगा बताया जाएगा आपको।